जहाज़ जो है वो टोरंटो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ लैंड होने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी कुछ मिनट्स लगेंगे उसको लैंड होने में। और उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जहाज़ जब लैंड होने के लिए जाता है ज़मीन के करीब, तो आस्ता आस्ता जो है वो नीचे की तरफ आता है। काफ़ी नीचे तो आगे है, लेकिन फिर भी जो है वो लास्ट मोमेंट्स के अंदर बड़ा एहतियात से इसको नीचे लाना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि वो जहाज़ का पूरा वज़न जो है वो तो चाहता है कि एकदम ज़मीन के नीचे आ जाए फटाफट, लेकिन वो आप इस तरह ला तो नहीं सकते। अगर वो इंजन की पूरी ताकत आपको इस्तेमाल करके आपको बड़े तरीके से और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो जहाज़ को नीचे लाना पड़ता है रनवे की तरफ। अब तो काफ़ी नीचे आ गया है। नीचे जो ये वाइट कलर के हैं, ये मोस्ट प्रॉबली इनके अंदर जो है वो ऑयल रखा होता है, किसी भी किस्म का ऑयल होता है। और ये आपको जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी, ये जो है वो कॉन्डो बिल्डिंग्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। मुझे सही पता नहीं, हो सकता है हमारे वाली कोई बिल्डिंग भी इनमें शामिल हो। रोड आ गया है, मोस्ट प्रॉबली हो सकता है एयरपोर्ट रोड हो, सही पता नहीं है। जरा नीचे आ रहा है, काफ़ी आपको फील हो रहा होगा। देखें ये देखें, पायलट का कमाल होता है, दोनों पायलट्स का बड़ा कमाल तो डेफिनेटली एरोप्लेन का अपना है, लेकिन जो उसको चला रहे हैं किस तरीके से फाइन तरीके से बैलेंस रखते हुए और सारा जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जहाज़ को जो है वो नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो ये भी बड़ा एक हुनर होता है और कमाल होता है। बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये एयरपोर्ट आ गया है और नीचे जो है वो आपको फील हो रहा होगा। तकरीबन अभी आपको एयरपोर्ट की फेंस नज़र आएगी, ये पार्किंग शायद है, करीब है बिल्कुल। बिल्कुल करीब का रोड है और अभी रनवे जो है ये आ गया है। ये डिफरेंट रनवेज हैं, ये टच डाउन हो गया है, जहाज ने जो है टच डाउन कर लिया है और अब जो है इस पर टैक्सी करेगा और अभी इन्होंने जो है अपने इंजन को जो है वो उल्टा चलाना शुरू कर दिया है, ताकि वो उसकी स्पीड जो है उसको
ब्रेक कर सकें, तेज़ी के साथ जहाज़ की स्पीड को कम कर सकें, इंजन उल्टा चल रहा है, और इसी तरीके से जो विंग्स हैं उनकी भी डायरेक्शन जो है उसको उल्टा किया जाता है, मतलब उल्टे से मुराद ये स्पीड को तोड़ने के लिए उनको उल्टा किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर में जहाज़ जाकर रुक जाएगा और अपना जो मखसूस गेट होगा उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।